हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो एस्पिरेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर सेंसेस एंड स्ट्राइप्स राइनो विजन वल्चर एंड क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो कि है पार्ट वन ऑफ द पोर्शन, जहाँ पे कुछ ऐसे कंजर्वेशन प्रोग्राम जहाँ पे इंडिया गवर्नमेंट लेकर आई है, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला होगा प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। अब जुलाई 29 इंटरनेशनल टाइगर डे है, तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स रिड्यूस हो रहा है, मतलब कम होता जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऐसे थ्री लेयर सिस्टम्स को लेकर आ गए, मतलब ये 1, 2 एंड 3, मतलब पहले कोर एरिया, उसके बाद एक बफर एरिया और लास्ट में ट्रांजिशन एरिया। तो ऐसे थ्री लेयर्स को लेकर आ गए, क्योंकि इनको पता चल गया कि पॉपुलेशन कम होती जा रही है। पॉपुलेशन इसीलिए कम होती जा रही है, एक तो हो सकता है कि हमारी जो नीड्स हैं, जो ग्रीड है, वो बढ़ता जा रहा है, और हमने क्या किया, फॉरेस्ट के अंदर ले चले गए। और दूसरी बात ये भी हो सकता है, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स इतना ज़्यादा नहीं, अच्छे से नहीं हो रहा है, तो अंदर जाके जो पॉचर्स जाते हैं इनको किल करके, इनका स्किन सब कुछ निकाल के वो ट्रेड कर लेते हैं। तो इन दोनों को चीज़ों को याद में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लेकर आ गए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, जो कि सेंट्रल असिस्टेंट देती है स्टेट्स को जहाँ पे टाइगर्स पाए जाते हैं, जैसे कि बांदीपुर या फिर बांधवगढ़। ऐसे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है। तो इन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया कि हम पैसे देते हैं, तो आप एक एरिया को ऐसे तीन एरियाज में डिवाइड कर लीजिए, कोर एरिया, बफर एरिया एंड ट्रांजिशन एरिया। जहाँ पे इस कोर एरिया, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं, इनके अंदर आने का हक सिर्फ ओनली टाइगर्स का है। कोई अंदर नहीं आ सकता, कोई उनका किलिंग नहीं कर सकते हैं, कोई उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते हैं। और बफर जोन जिसके ऊपर, मतलब उसके आसपास में, कोर एरिया के आसपास में जो बफर एरिया रहते हैं, वहाँ पे उसके आसपास में जो ट्राइबल्स रहते हैं उनको ही अलाउ कर दिया जाएगा। और बफर एरिया के बाद जो ट्रांजिशन एरिया बाहर होती है, वहाँ पर आप कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि इंडस्ट्रीज हो सकता है, आपके रोड सिस्टम हो सकते हैं, रेलवे लाइन्स, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बांदीपुर का लोकेशन देख लीजिए कर्नाटका में, आपको समझ में आ जाएगा कि वो एरिया, वो जो सिटी के बीच में ही है, फिर भी उसको ट्रांसपास होते हुए बहुत सारे नेशनल हाईवेज हैं, बहुत सारे रोड्स बना हुए हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन कम होती जा रही है, क्योंकि पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन जैसे ज़्यादा हो जाएगी, टाइगर्स मर जाते हैं। इन चीज़ों को याद, ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट टाइगर लेकर आ गई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इस वाले प्रोजेक्ट टाइगर में क्या होगा, एक बॉडी सेटअप हो जाएगी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि है एक स्टैट्यूटरी बॉडी मिनिस्ट्री के दौरान बना दिया गया है। ये सुपरवाइज करेगी कि ये जो टाइगर कंजर्वेशन है ना, ये वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अंदर आती है। इस बॉडी का भी जो पोर्शन है, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, वो सारा कुछ भी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी देखेगी, देखभाल करेगी, और सेंटर को बताएगी कि इस स्टेट को ज़्यादा पैसा दीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स पाए जा रहे हैं, उनकी देखभाल करना हमारी बहुत ही आवश्यकता है। और ये लॉन्च हुआ था, ये कब लॉन्च हुआ था, 2005 में, जो कि एक टाइगर टास्क फोर्स बनी थी, उसके रिकमेंडेशन के थ्रू ये बॉडी बनी थी। और ये इसने क्या दिया था, एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया था, मतलब ऐसी कोई भी बॉडी दुनिया में हो जो कि एक्ट के दौरान बनती है, उनको कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो उन ऐसी कौन सी एक्ट से बनी थी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, इसीलिए स्टैट्यूटरी स्टेटस पाई गई 2006 के अमेंडमेंट के थ्रू, और 2005 में बनी थी। अब ये एरिया तीन एरियाज में डिवाइड कर दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ टाइगर्स का बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, सिर्फ टाइगर्स ही पाई जाती हैं, और दूसरी तरफ बफर जोन, उसके आसपास में जो रहती है, वहाँ पे होता क्या है, आपको वहाँ पे ओनली ट्राइबल पॉपुलेशन को दिया जाता है, और बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशन चलती है कि ऐसे कोई भी इंसान, यू कैन नॉट गो इनसाइड एंड एक्सप्लॉय द टाइगर। और आसपास में बाहर क्या होता है, एक ट्रांजिशन एरिया जहाँ पे कोई भी घूम सकता है, एक ऐसे सिस्टम को लेकर आ गए। तो अभी टाइगर कैसे पता चला कि गवर्नमेंट को कि टाइगर कम होती जा रही है, उनकी संख्या बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, एक सेंसस निकालते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन सेंसस निकालते हैं ना हर 10 साल में, ठीक वैसे ही हर 4 साल में एक सेंसस बना लेकर आते हैं, टाइगर सेंसस। कौन लेकर आता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो 2005 में बनी थी। वो कंडक्ट हुआ था 2006 में पहली बार, फिर हुआ था 2010 और 2014। सेंसस 2014 में ये इन्होंने ये कहा था कि इतने टाइगर्स हैं, 2226, जो कि बड़ी थी 1700 से लेकर आके 2226। अब 2018 में भी एक सेंसस हुई थी, जो कि रिलीज हुआ मई 2019 में, उसका एस्टिमेट, उस रिपोर्ट को कहते हैं ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट। वो कहती है कि
कितना कुछ टाइगर्स बचा हुआ है इंडिया में और कहाँ कहाँ पे ज्यादा पाई जाती है, उन चीजों के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि टाइगर सेंसस मेथड होती क्या है। टाइगर सेंसस जैसे कि देख लीजिए, टाइगर के जो स्ट्राइप्स होती है ना, मतलब जो ब्लैक कलर का जो डिफरेंट सिग्निफिकेंट पोर्शन होती है उसको कहते हैं स्ट्राइप्स। उस स्ट्राइप से पता क्या चलता है हमें कि हर एक टाइगर का अलग अलग पैटर्न होती है। जैसे जीब्रा के भी होती हैं स्ट्राइप्स, वैसे टाइगर का भी हर एक अलग अलग पैटर्न होती है हर किसी टाइगर के ऊपर। तो उसको हम मोबाइल ऐप में क्लिक करेंगे, हम मतलब जो कि फॉरेस्ट ऑफिसर, बीट ऑफिसर्स जहाँ पे काम करती हैं उस ट्राइबल और वो टाइगर रिजर्व के एरिया के अंडर, वो फोटो निकालती है मोबाइल ऐप के थ्रू अपलोड करती है। और उन जैसे जितने ज़्यादा डिफरेंट स्ट्राइप्स को पाए जाते हैं उतनी ज़्यादा संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये फोकस करते हुए 2018 में लेकर आ गए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी लेकर आ गए पिछले सेंसस में, जो कि हुआ था कब हुआ था 2014 में, उस वाले टाइम पे नॉर्थ ईस्ट पे नहीं किया गया था, इस बार नॉर्थ ईस्ट में भी किया गया था वो टाइगर सेंसस। और ये फर्स्ट टाइम कंट्री जहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज भूटान, नेपाल और बांग्लादेश भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया इन टाइगर्स को काउंट करने में। क्योंकि देखिए इंडिया नेपाल बॉर्डर बहुत नज़दीक है, इंडिया भूटान बॉर्डर भी बहुत नज़दीक है, ऐसे बहुत सारे टाइगर्स होते हैं जो कि इंडिया को बिलोंग भी करते हैं और नेपाल को भी बिलोंग करते हैं, और उनकी भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है नेपाल भूटान और बांग्लादेश की, क्योंकि वो भी आइडेंटिफाई करेंगे कि जी ये हमारा टाइगर रिजर्व में टाइगर है तो ये आपके अंडर नहीं आता है, तो काउंटिंग में बहुत ही आसानी हो जाएगी। अब हाईलाइट देख लेते हैं, टाइगर्स का हाईलाइट देख लीजिए। 40% इंडिया एस्टिमेट 2226 हुआ था 2014 में, और कोर हैबिट्स में देखा गया था। अब क्या हुआ था अब देख लेंगे, तो कर्नाटका बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी थी, और कितना बढ़ी थी ये देख लीजिए, यहाँ पे 2967 टाइगर्स हुए थे। और जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में पहला वाला था और सेकेंड वाला है कर्नाटका। तो टाइगर पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड देख लोगे तो पहला होगा रशिया के अंदर, एंड देन आता नीचे आते हुए हम देख सकते हैं कि टाइगर पॉपुलेशन कंट्री वर्ल्ड वाइड, मतलब इंडिया को अलग रखते हुए कितना कुछ पॉपुलेशन बढ़ी है, मतलब हमारे इंडिया के अंदर ही बहुत ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से 70% ऑफ वर्ल्ड टाइगर्स हम इंडिया में देखने को मिलेगा मौका। और डिस्ट्रिक्ट सेंटर वाइज मतलब स्टेट वाइज आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि पहला आएगा मध्य प्रदेश, एंड देन कर्नाटका, एंड देन आएगा आपका उत्तराखंड, एंड देन आएगा तमिलनाडु, एंड देन सारा कुछ फॉलो करता रहेगा। तो 2006 से लेते हुए हर 4 साल में टाइगर सेंसेस कितना कुछ बता रही है आप देख सकते हो। तो एम स्ट्राइप्स प्रोग्राम क्या है, जो कि शुरू हुआ था 2010 में, जहां पे मॉनिटरिंग करेगी टाइगर्स को इंटेंसिव प्रोटेक्शन और इकोलॉजिकल स्टेटस देने के लिए, क्योंकि हर डिफरेंट टाइगर्स का डिफरेंट अलग अलग स्ट्राइप्स होता है उनके बॉडी के ऊपर, जो ब्लैक कलर का मार्क्स होता है स्ट्राइप्स की तरह। वो हम एक सैटेलाइट भी यूज़ करते हैं, सैटेलाइट सिस्टम GIS, वो जो नेविगेशन सिस्टम जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू सैटेलाइट डेटा के थ्रू और फिर आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी ए एम स्टाइप्स प्रोग्राम को यूज़ करते हुए गिनते हो टाइगर्स को। तो टाइगर का अभी क्या हुआ कि इंडिया में इतना कुछ पाया गया है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि सारे के सारे कंट्रीज के दौरान एक कोऑर्डिनेशन एफर्ट के थ्रू एक कॉन्फ्रेंस बिठाया January 2019 न्यू दिल्ली में। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, मतलब 7,000 पॉपुलेशन को बढ़ाना है, मतलब जो कि अभी वर्ल्ड के अंदर कितना कम होता जा रहा है उसको 7,000 पॉपुलेशन, मतलब 7,000 टाइगर्स 2022 तक बनाने के लिए हम सब लोग, मतलब जो वहाँ जहाँ पे टाइगर ज़्यादा पाई जाती हैं सब लोग कुल मिलाकर एक इकट्ठा हो पाके सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में, जो पहली बार शुरू हुई थी 2010 में, वहाँ पे एक शपथ ले लिया गया था कि सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन के थ्रू हम ये डिसाइड कर लेंगे कि 2022 में 7,000 टाइगर पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तो ये टाइगर रेंज कंट्रीज याद रख लीजिएगा, बांग्लादेश, भूटान, कैम्बोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, नेपाल एंड रशिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से 4 या 5 ऑप्शंस पूछ के आपको फंसा सकते हैं एग्जाम में कि ऐसे कौन से कंट्रीज हैं जो कि टाइगर रेंज कंट्रीज में आती हैं, कि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान भी दे सकते हैं, तो आप देख लीजिए, क्योंकि सारे के सारे साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ही हैं यहाँ पे। तो अभी ग्लोबल टाइगर फोरम जो जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, जो ग्लोबल टाइगर फोरम जो 2010 में बनी थी, उसकी मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स यही है कि आप टाइगर्स को रिस्टोर करो जहाँ पे पाई जाती हैं। जैसे कि एक टाइगर है बांदीपुर की है, पर उसकी उसको क्या हुआ, हाईवे का जो नॉइस पोल्यूशन होती है और आसपास में लोग जो उसको पोचिंग करने के लिए आते हैं, उसने भाग भाग दौड़ में चली गई
किसी और दूसरे स्टेट पेरियार टाइगर रिजर्व में, जहाँ पे केरला में बनती है, तो उसके उसकी वजह से क्या होगा, जो बांदीपुर में बननी चाहिए वो किसी और जगह पे बन रही है अभी, इसी की वजह से बहुत कुछ नुकसान हो रहा है उसके लिए। तो उस सिस्टम को रिस्टोर करो, एक इफेक्टिवनेस लेके आ जाओ, वो जो लोकल कम्युनिटीज और ट्राइबल्स होते हैं उनका भी थोड़ा सा एक एम्पावर करो, उनको इन्फॉर्मेशन दो और उनके साथ कुल मिलाकर एक इन लोगों के इन टाइगर पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए एक मौका मिल जाएगा, और इलीगल ट्रेड को हटाने के लिए, पोचिंग स्मगलिंग को और हटाने के लिए प्रिजर्व करो ऐसे टाइगर हैबिटेट्स को। अब ऐसे कुछ रिकवरी साइट्स हैं जहाँ पे इंडिया ने देखा कि कुछ टाइगर पॉपुलेशन का कुछ तो नुकसान हो रहा है किसी चीज़ों की वजह से, जहाँ पे 8 रिजर्व्स, एक ऐसे 8 साइट्स को आइडेंटिफाई किया, जैसे कि अन्नामलाई, वलचल, सत्यमंगलम, बालाघाट, अचनाकमर, वेस्टर्न राजा जी, इंदौर इन उत्तराखंड, वाल्मीकि बिहार नेपाल के बॉर्डर में बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी है, क्योंकि ये बॉर्डर करती है इंडिया बिहार और नेपाल के वहाँ पे, और मानस है वो असम भूटान पे। तो कुछ टाइगर रिजर्व भी इसी के दौरान थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, जो मैंने प्रीवियस सेशन मतलब प्रोटेक्टेड एरियाज में जहाँ पे मैंने बताया आपको टाइगर रिजर्व के बारे में, स्टेट वाइज थोड़ा सा याद रख लीजिए। तो पहला स्टेट जो इस सेंसस के थ्रू पता चल जाता है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क, विच इज इन मध्य प्रदेश, होस्ट लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स, जो कि है 526, और उसके बाद आता है 524, जहाँ पे है बांदीपुर वाला पोर्शन, कहाँ पे है वो, कर्नाटका पे है। तो अब आते हैं वल्चर्स कंजर्वेशन प्रोग्राम। अब वल्चर्स का भी क्या इतनी इंपॉर्टेंस है, एक वल्चर्स को क्यों कंजर्व करना चाहिए हमें, ये भी तो देख लेते हैं। देखिए वल्चर्स का कितना कुछ वेराइटीज है, कुछ की किसी कोई ऑरेंज कलर के हैं, रेड बीक हैं, वाइट एंड ब्लैक एंड बहुत कुछ वेराइटीज हैं। तो इंडिया में मेनली इन 5 वेराइटीज ऑफ वल्चर्स कब पाई जाती हैं, जैसे कि लॉन्ग बिल वल्चर, वाइट बैक, सेंडर बिल, रेड हेडेड और इजिप्शियन। और नाम थोड़ा सा याद रख लीजिए, अगर आप कोई स्टेट का एग्जाम दे रहे हो फॉरेस्ट्री का, तो उसमें यही पूछते हैं कि जिप्सिस अफ्रीकनस इज रिलेटेड टू विच स्पीशीज। उनमें ऑप्शंस में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी देख सकते हैं, वल्चर भी देख सकते हैं, और आपको पता है ये बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कितना न्यूज़ में है, तो आप उसी को मार्क कर लेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए इस स्लाइड के ऊपर। तो वल्चर को कंजर्व करने के लिए हम लेकर आए हैं सेविंग एशियस वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन प्रोग्राम। कौन लिखता है इसके बारे में, IUCN, IUCN गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है, सारे साउथ एशियन गवर्नमेंट्स के ऊपर, कि हम सेव करेंगे जो वल्चर्स एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। कैसे एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, क्यों एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं वो देखेंगे, और उसको कैसे कंजर्व कर रहे हैं, एक जोन बना देते हैं वल्चर सेफ जोन, मतलब उसको सारा कुछ मीट वीट, जैसे कि हॉस्टल सिस्टम समझ लीजिए। आप जब हॉस्टल पे चले जाते हो, होता क्या है, वहाँ पे आपको खाना पीना भी मिलता है, आजू बाजू में स्कूल भी होता है, कॉलेज भी होता है, तो आपको एक ही सारा कुछ फैसिलिटी एक ही जगह पे, वैसे ही एक वल्चर सेफ जोन भी बना दिया जाएगा। इंडिया में बहुत सारे ऐसे वल्चर सेफ जोन ब्रीडिंग सेंटर्स भी हैं, और उससे पहले देख लें कि एशिया सेविंग्स एशिया वल्चर्स फ्रॉम एक्सटेंशन प्रोग्राम होती क्या है। इस प्रोग्राम के थ्रू एक 25 बर्ड्स को रिलीज कर दिया जाएगा एक 30,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, उसको कहते हैं सेफ जोन, एक सेफ जोन जैसा बना दिया जाएगा, वहाँ पे उनको सारा कुछ खाने पीने के लिए सारा कुछ एवरीथिंग विल बी प्रोवाइड, सब कुछ खाना पीना रहना सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और एक मॉनिटरिंग कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में देखभाल कर किया जाएगा कि वल्चर की अच्छे से ब्रीडिंग हो जाए। जैसे कि देखिए वल्चर की इतनी इंपॉर्टेंस हो क्यों रही है, क्योंकि जो भी डेड एनिमल्स होते हैं एनवायरनमेंट में, जो कि जैसे काउस या फिर कुछ एनिमल्स या फिर कुछ पारसी रिलीजन में भी ऐसी कुछ कंडीशन है जहाँ पे उन लोगों को जैसे डेथ हो जाती है, उनके बाद उनको जला दिया नहीं जाता है या फिर दहन नहीं करते हैं, उनको जस्ट ऐसे फेंक देते हैं बाहर, और उनकी कल्चरल वैल्यू यही है कि जैसे वल्चर आके उसको खाएगी तो दैट इज़ हर कल्चर। तो इन सारे बॉडीज़ को डिकम्पोज करने के लिए एक अच्छे से मैकेनिज्म है कि वल्चर वहाँ पे रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनकी नंबर जब भी कम होती जाएगी उनको सेव करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए IUCN लेकर आई है सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटेंशन। एशियाज वल्चर है तो इसीलिए नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश इस वाले एरियाज में सेफ जोन्स बना दिया जाएगा। सेफ जोन्स बनाने के बाद क्रिटिकली इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ को वहाँ पे बैठा के उनको रेगुलेट करते हुए खाना पीना सब कुछ दे देंगे। इसमें कौन पार्टनर्स है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, कंजर्वेशन नेपाल, कंजर्वेशन नेपाल सोसाइटी ऑफ बर्ड्स एंड जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, ऐसे बहुत सारे एशियन नेशंस हैं जो कि इस प्रोग्राम के अंदर सहायता देती है IUCN को। अब इश्यू कहाँ पे आती है, करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है कि डायक्लोफेनाक इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनिज्म या फिर वल्चर्स डेथ इज कॉज बाय विच ऑर्गेनिज्म, क्योंकि
होता क्या है, जैसे कि कुछ काउ है, मान लीजिए एक बुल है, उसको कुछ बॉडी पेन्स आ रखी है या फिर कुछ इन्फेक्शन हो रखी है, उसको होता क्या है, एक डाइक्लोफेनेक जैसे ड्रग है जो इंजेक्शन दौरान उसको देते हैं डॉक्टर्स। जैसे इंजेक्शन देते हैं उसको तो तकलीफ से हटा देगी वो इंजेक्शन की वजह से, बट ये जब मर जाएगा, ये ऑर्गेनिज्म मतलब ये बुल जब मर जाएगा, उसके बाद वल्चर आके उसको खाने के लिए सोचती है। खाने के बाद उसके पेट में जो डाइक्लोफेनाक ऑलरेडी इंजेक्शन के दौरान है वो एक्यूमुलेट हो जाती है, मतलब बायो एक्यूमुलेट हो जाती है, क्योंकि वो ड्रग है। जैसे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगी और खाने के लिए जो वल्चर आ जाएगी उसके मुंह के अंदर चले जाके उसकी भी मौत हो जाएगी, जिसकी वजह से वल्चर की मौत होने के कारण डाइक्लोफेनाक को गवर्नमेंट ने, इंडिया ने कहा था कि इसको बैन कर दो। पर बैन कर देंगे तो पर इस एनिमल को भी तो थोड़ा सा पेन हो रहा है ना, तकलीफ हो रही है उसको भी, उसको कुछ इन्फेक्शन हो गया। अब डाइक्लोफेनाक आप बैन कर दोगे तो क्या यूज करेगी, ऐसे कौन सी इंजेक्शन है जिसकी वजह से इसकी तकलीफ दूर हो जाएगी। वही है मेलोक्सियम। मेलोक्सियम वो ड्रग है जो डाइक्लोफेनाक के बजाय यूज कर सकते हो एनिमल्स के ऊपर, ताकि उनको कुछ इन्फेक्शन हो जाए या फिर बॉडी पेन्स हो जाए उसको रिलीव करने में। तो गवर्नमेंट ने यही कहा था कि डाइक्लोफेनाक को हटाओ और इसको यूज़ करना शुरू करो। ये है कुल मिलाकर इश्यू जो करंट अफेयर्स में चल रही थी, जिसके बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था। अब वल्चर ब्रीडिंग सेंटर पे देख लेते हैं। वल्चर ब्रीडिंग सेंटर जैसे कि सेफ जोन्स बना दिया ना, वैसे सेफ जोन्स इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, एक रानी गुवाहाटी इन असम, पिंजौर हरियाणा, बुक्सा वेस्ट बंगाल, भोपाल मध्य प्रदेश, और ऐसे 4 मोर सेंटर्स जो बना रही है सेंट्रल जू अथॉरिटी। कहाँ पे, जूनागढ़ गुजरात, नंदनकाना ऑफ उड़ीसा, हैदराबाद तेलंगाना, और मोटा ऑफ रांची डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये है हमारा वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम। अब आते हैं द मोस्ट प्रेशियस एनिमल ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट, क्योंकि इतना स्पेक्यूलर एनिमल है, ये बहुत ही कम जगह पे पाई जाती है और इनकी नंबर इतनी कम होती जा, इनकी संख्या इतनी कम होती जा रही है ना, तो इनके बारे में सोचना ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट राइनो या फिर हिप्पोपोटामस भी कह सकते हो इन चीज़ों को। तो एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है इंडियन राइनो विजन 2020। 2020 तक कुछ करना चाहती थी गवर्नमेंट, क्या करना चाहती थी, किसके साथ, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट असम, बोडो ऑटोनोमस काउंसिल, WWF इंडिया एंड एशियो राइनो एलिफेंट स्ट्रेटजी, US के कुछ बॉडीज भी इन्वॉल्व हैं, सेवरल NGOs भी इन्वॉल्व हैं। इन लोगों को कुल मिलाकर कुछ करना चाहती है, क्या करना चाहती है, 2020 तक असम में राइनो का संख्या 3000 को 3000 लेके आना चाहती है, और ऐसे 7 प्रोटेक्टेड जोन्स को एस्टेब्लिश करते हुए राइनो की देखभाल करेगी। कहाँ कहाँ पे, काजीरंगा, पोबितोरो, ओरैंग, मानस, लखोवा, देन बुराचापोरी, डिब्रू साइखोवा। तो इन सारे सेंचुरीज में वहाँ पे राइनो की देखभाल करेगी, रेगुलेट करेगी, ताकि उनकी पॉपुलेशन 3000 हो जाए 2020 तक। देख लेते हैं कि कितना हो जाएगा, कोशिश कर लेते हैं कि हो जाना चाहिए, क्योंकि राइनो इज़ वेरी पेक्यूलर, बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनिज्म है और एक ऐसी डिफरेंट एकदम यूनिक ऑर्गेनिज्म है, जिसकी वजह से इंडिया को एक नया सा अंदाज़ा ही मिल जाता है वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के अंदर। तो प्रोसीजर क्या होता है, इन्होंने क्या किया, ये ट्रांसलोकेट करते हैं। ट्रांसलोकेट मतलब, ट्रांसलोकेट ट्रांस मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में चले जाना, एक जानबूझ के। जहाँ पे देखिए, अब मानस में बहुत सारे, मानस नेशनल पार्क जो असम में है, वहाँ पे बहुत सारा राइनोस पाए जाते हैं। तो पोबितोरो नेशनल पार्क जहाँ पे असम में ही है, तो वो क्या कहती है कि हमारे पास राइनोस नहीं है, एक ही बचा है, दूसरा राइनोस भेजिए ताकि और ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। तो मानस से पोबितोरो भेजते हैं और पोबितोरो में क्या करते हैं, वहाँ पे ब्रीडिंग करते हैं, उसकी और संख्या बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और उनकी DNA सब कुछ ना मैच करते रहते हैं, DNA को रजिस्ट्री बना के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में, क्लाउड में डेटा सब कुछ भर के रखते हैं। क्योंकि इससे क्या पता चलता है, कल को जाके मान लीजिए किसी ने आके उसका एक जो हॉर्न होता है उसके बॉडी के ऊपर, जैसे देख लीजिए ये जो हॉर्न है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से आइवरी जैसे एलिफेंट का टस्क होता है, इसी से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिस्टिक वैल्यू आइटम्स बनती हैं, जैसे कि हम जैसे घर में रखते हैं फ्लावर वेज, जैसे कुछ आइटम्स हैं जो कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही कीमती वस्तु है, वैसे इंटरनेशनल वाले ट्रेड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को पोचिंग करते हुए ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। तो इसी को हटाने के लिए इनको, इनकी DNA एक रजिस्ट्री में बना के रखने की वजह से क्या होगा, कल को जाके किसी ने ऐसे इसकी हॉर्न को पकड़ लिया, चले गए और कहीं और पकड़ गए कि नेपाल में पकड़ गए, और नेपाल वाले ने इंडियन वाले को हाथ में लगा दिया, तो हाथ में दे दिया, तो उसके बाद क्या होगा,
कि जैसे वो पता चल जाएगा कि डीएनए के थ्रू कि ये इंडिया की राइनो है या फिर दूसरी कंट्री की है, तब इंडिया केस भी लगा सकती है उसके ऊपर। तो इन चीज़ों के लिए वो प्रोटेक्शन मेजर्स लेकर आ रहे हैं, जो कि है राइनो को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब करंट अफेयर्स में यही पोर्शन था कि हम प्रोटेक्ट करेंगे डीएनए प्रोफाइल्स को इन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के थ्रू। डीएनए सीक्वेंसिंग करेंगे ताकि हमें पता चल जाएगा कि पोचिंग करते वक्त हम जहाँ पे भी चले गए हैं, हमें पता चल जाएगा कि इंडिया की किसी की राइनो की नुकसान हो गई है। तो ये डेटाबेस कौन मेंटेन करेंगे? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर जहाँ पे देहरादून पे है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है आपको, जहाँ पे इंडियन एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के टाइटल के अंदर। प्लीज आप उस वीडियो को भी देख लीजिए आपको, अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो। इंडियन एशियन राइनो में 3 वेराइटीज हैं, ग्रेट वन हॉर्न जो कि असम में ज्यादा पाई जाती है, जावन एंड सुमात्रन। जावन सुमात्रन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वेरस ग्रेटर वन हॉर्न इज वल्नरेबल, मतलब पोचिंग होने का बहुत ही ज्यादा एंडेंजर होने का नजदीक में जा रही है। एशियन राइनो कंट्रीज हैं इंडिया, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। एंड देन 2600, अभी 2600 स्पीशीज हैं, मतलब संख्या है राइनो की इंडिया में, जो बनाना चाहते हैं 2020 तक 3000 तक। और 90% ज्यादा से ज्यादा असम का काजीरंगा नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। तो नेशनल राइनोस कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी यही कहती है कि एक प्लान बना दीजिए, सुकलावांता नेपाल, वाल्मीकि इंडिया टाइगर रिजर्व जो इंडिया नेपाल के बॉर्डर के अंदर है, और चितवन नेशनल पार्क नेपाल, दुधवा नेशनल पार्क इंडिया, वहां पे जहाँ पे भी बाउंड्री के ऊपर जहाँ पे भी राइनो पाई जाती है, दोनों कंट्रीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी बनती है कि मैनेज करें ताकि 90% ऑफ पॉपुलेशन मतलब बरकरार रखें, उसकी कोई नुकसान ना होते हुए देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है नेशनल नैरो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी का मेन उद्देश्य। अब आते हैं क्रोकोडाइल कंजर्वेशन फेस्टिवल के बारे में, सॉरी क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि है एक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल्स को, जो इम्पॉर्टेंट हैबिटेट्स वाटर हैबिटेट्स में पाई जाती हैं, उनकी भी कैप्टिव ब्रीडिंग करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि घड़ियाल्स हैं चंबल रवेंस में, या फिर बहुत सारे ऐसे ये स्पीशीज हैं जहाँ पे बहुत ही पिक्युलर है, मतलब इंडिया में ही पाई ज़्यादा पाई जाती हैं, और उनकी स्पीशीज को कम होना मतलब फूड चेन और फूड वेब डिस्टर्ब हो जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, एक घड़ियाल है जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड है आईयूसीएन रेड लिस्ट में, उसको अच्छे से रखने के लिए मतलब देखभाल करने के लिए हमने क्या बना दिया, एक क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंपल प्रोजेक्ट है, इसकी इतनी ज़्यादा खासियत नहीं है, बस ध्यान में रख लीजिएगा कि जब भी कोई वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स या कुछ भी ऐसे इश्यूज आ जाएंगे या फिर कुछ मेजर्स लिखना होगा तो क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट के बारे में भी आप लिख सकते हो। तो अगले वाले सेशन में हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, सिक्योर हिमालय, टर्टल, डॉल्फिन, प्रोजेक्ट हंगुल एंड सावे के बारे में। कुछ और ऐसे प्रोविजंस हैं कंजर्वेशन मेथड जो कि गवर्नमेंट लेकर आई है। तो जाने से पहले आपको बता दूं, पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम बाय अरोरा सर, वो एक ऐसी इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस मेंटर हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को ही इतने अच्छे से गाइड कर सकते हैं, क्योंकि उनकी खुद की एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में। और आपको पता भी है, जैसे स्लाइड्स देख रहे हो, जैसे इंफॉर्मेशन देख रहे हो, पीडीएफ भी आप एक्सेस कर लीजिए वेबसाइट में जाते हुए, आपको पता चल जाएगा कि कितना कुछ नॉलेजेबल पर्सन है। उनकी वजह से आपको इंडिविजुअल टाइम टेबल, सारे मटेरियल सपोर्ट, आंसर राइटिंग टेक्निक, वन टू वन डाउट क्लियरिंग सेशंस, इंडिविजुअल स्टडी टाइम टेबल, ताकि आपको पता चले कि आप हर टाइम टेस्ट लिखते जाओगे उनके साथ, और आपको कहाँ पर आपको वीकनेस है, स्ट्रेंथ को कैसे कन्वर्ट करना है, सारा कुछ डिटेल्स सारे बता देंगे आपको। तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा इस प्रोग्राम के बारे में, पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम, इस कॉन्टैक्ट डिटेल्स के थ्रू। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे, जो कि बाकी सेशंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, जो कंजर्वेशन मेथड्स हैं, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट लेकर आ रही हैं। तो तब तक जय हिंद।